केवल कारण है। जब तक श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं प्रथमंतम गुरुम पूज्यम ततश्चैव ममार्चनम्, कहते मेरी पूजा करने से पहले पहले से गुरु जी की पूजा करके मेरी पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति गुरु जी की पूजा किए बगैर डायरेक्ट भगवत पूजा करता है उसका पूजा कहते निष्फल हो जाता है, इसके पूजा का कोई फल नहीं मिलता। देखो तो छोटी सी कथा सुन, मतलब एक समय कोई एक साधु किसी घर में कथा कर रहा था, सबसे पहले श्री गुरु जी को वंदना करते हैं। देखो अभी प्रश्न है, कहते भैया शास्त्र में तो हरे कृष्ण लिखा हुआ, पुराण में भी तो कृष्ण मंत्र है, फिर हमने शास्त्र से क्यों नहीं रख लिया, फिर ये गुरु जी से लेने का फिर क्या जरूरत है। तब श्रील जीव गोस्वामी बड़ा सुंदर उदाहरण देकर समझाया क्यों हम श्री गुरु ना जाएगा। दूसरा काम है ब्रह्मा जी उसके लिए आरती की थाली
छाला तैयार करते हैं, क्योंकि जब भूर भुवा मोह जन तप सत्य लोग होते जाएगा हम उसका भारत होता है। बोले तीसरा काम क्या होता है, बोले गोलोक वृंदावन में श्री राधा रानी अपने ठाकुर जी आए, ब्रह्मा जी ने पहले बताया बोले ये संसार का काम करो, हाँ भगवान का निर्देश है संसार का क्रम बढ़ाओ, बोले हम ये घर गृहस्थी भैया प्रवेश करना नहीं चाहते, क्यों ये संसार बड़ा दुखमय है। ब्रह्मा जी बोले संसार घर गृहस्थ नहीं करोगे, भगवान का निर्देश है घर गृहस्थी करने के लिए तो पहले ही इनकार कर रहे हो, ठीक है अभी जैसे छोटे है ना जिंदगी भर ऐसे छोटे रहो, इसलिए उनका उम्र हर समय 5 साल कभी उससे ज्यादा नहीं होते। बोले भैया ये तो अभिशाप नहीं ये वरदान, बोले क्यों, बोले घर का जितने सारे बोझ किसको ऊपर में बड़े व्यक्ति का ऊपर, लेकिन बच्चों के ऊपर में कोई बोझ है वो मस्ती से आनंद से खेलते कूदते रहते, बोले बढ़िया ये वरदान नहीं ये आशीर्वाद है। बोले इनका जीवन क्या है, बोले कृष्ण कथा मात्र के जीवनम, ये चार भैया जब कहीं सुजोग मिलता है कथा सुनाने का कथा सुनाना शुरू कर देते हैं, अगर कोई नहीं हो तो एक भैया तो व्यास गद्दी पर बैठेगा और 3 भाई बैठ कर कथा सुनते हैं, इनकी कृष्ण कथा ही जिनकी जीवन है। और दूसरी बात है ये सृष्टि का पहला ब्रह्मा लव मैरिज नहीं करना, लव मैरिज नहीं करना जहाँ तुम्हारे परिवार है तुम्हारी वर्ण जाति के अनुरूप वहां पर जाकर के शादी करो, जहाँ पर पिता माता शादी करवाएंगे वही करो, लेकिन कितने साल तक, बोले 50 साल तक, उसको बाद में नहीं, इसलिए देखो उसको बाद में जो अंक आता है ना एका बन पा बन चौ बन ये बन बन शब्द आता है, बोले और घर में नहीं वृंदावन हो, वृंदावन जाओ भगवान की भजन करो, अगर वृंदावन नहीं जाओगे ना घर में फिर बहु ही आएंगे फिर लड़ गत पाए पहले 60 के बाद में अगर जीवन में भक्तों का संग मिल जाए ना बस भक्त संग से ही जीव का कल्याण हो जाएगा, जीव का कल्याण हो जाएगा। इसलिए कहते 25 साल गुरुकुल में, फिर 25 साल गृहस्थ में, फिर 25 साल के बाद में फिर ये वानप्रस्थ, उसको बाद में फिर आता है सन्यास। देखो मेरे तरफ में देखो, अगर कोई ब्रह्मचर्य के बाद में अगर कोई गृहस्थ में प्रवेश नहीं किया ना तो उसका 50 साल बर्बाद नहीं जाता, सीधा 25 साल के बाद में सीधा ले गया था। भले हिरण्यकश्यप बना कैसे, ये हिरण्यकश्यप सृष्टि की कैसे हुई है, ये राक्षस कैसे बन गया, कहते एक समय श्री दीति ने बड़ी सुंदर लड़छट उसने श्रृंगार की और शीशा के सामने खड़ी होकर श्रृंगार कर रही थी और था ठीक शाम का समय था, अपनी सुंदरता को देख करके उसने अपना हृदय में काम को संभाल नहीं सकी और श्री कश्यप ऋषि जी को पास में गए, ऋषि देखते उसने विशाल रूप श्रृंगार कर दिया और उन्होंने पानी में छलांग लगाई और ये पृथ्वी को उन्होंने अपना धुरी पर स्थापन की, फिर मनु महाराज ने ये सृष्टि के प्रारंभ उन्होंने किया है। देखो हमारा जो शास्त्र कहता है ना ये सृष्टि मनु महाराज से हुई है इसलिए हमको मानव कहलाते हैं, लेकिन हमारा जो डार्विन थ्योरी हमारा जो साइंटिस्ट वो क्या कहता है, कहते पहले हमारे भगवान भगवान जीव भी कुछ नहीं, ये बंदर बंदर से इंसान बन गए। अब देखो मेरे पीछे देखो, नहीं तो वहां देखो भगवान कृष्ण है, ये कब से द्वापर युग से, राम कब से तृतीया युग से, नारायण कब सत्य युग से, आप उनकी चेहरा को साथ में अपना चेहरा मिला मिलेगा कि नहीं, आप बंदर को साथ में अपना चेहरा मिला मिलेगा, बंदर को साथ में आपका चेहरा, नाक मिलेगा ना आंख मिलेगा ना हाथ, कोई भी एक पार्ट से मिलेगा बंदर को साथ। बोले भक्ति रे वे वी भक्ति रे वे वर्शी, मतलब भक्ति ही हमें भगवान तक ले जाएगा, भक्ति ही भगवत दर्शन कराएगा, भक्ति ही ही महिमा है, जरूर ये ग्रंथों का आप लोग पढ़ना। इसलिए कहते भगवान की जो 4th अवतार हुए हैं
बोले भगवान श्री नर नारायण ऋषि रूप में आए और बद्री का आश्रम पर भगवान तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कलयुग का जीव कितना तपस्या कर ही नहीं सकता, इसलिए भगवान कह रहे जीव के लिए मैं स्वयं तपस्या कर रहा हूँ। अगर कष्ट करके एक बार कोई केवल बद्री का आश्रम पर आए और केवल मुझे दर्शन कर ले, दर्शन मात्र से उनको मेरे भजन का छठवां फल उसका, अगर कभी राधा रानी कभी मान कर लेती है, हैं कभी मान कर लेती है कृष्ण राधा रानी के चरण में मधुर मुकुट बंसुरी रख लेती है, बोले हे राधे आप इतने क्यों मान किए और ये मान को छोड़ दो। इसलिए कहते कि ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर है इनकी जो रूप माधुर्य, कृष्ण इतने सुंदर, इतने कृष्ण सुंदर है, इसलिए कभी कभी गोपियां कहती हैं नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कट जाती कर, अच्छा हुआ तेरे को भगवान ने लाली नहीं बना करके लाला बना दिया, अगर तू लाली बनता ना प्रेम को माधुर्य को आस्वादन करते हैं। कहती है कृष्ण की दूसरे माधुर्य है। इनका जो तीसरा माधुर्य है कहते श्री वेणु माधुर्य है, त्रिजगत मानसाकर्षी मुरली कलक उचित है। जब भगवान बंसी ध्वनि करते हैं, बंसी ध्वनि को सुन करके यमुना जो ऐसे बहती है वो यमुना उल्टी बहने लग जाती है। प्रेम माधुर्य के लिए उदाहरण दिया जैसे कृष्ण